नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सपना, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज मैं आपको कक्षा नौवीं के लेवल फर्स्ट की फोर्थ यूनिट के बारे में बताऊंगी। आज का मेरा विषय है हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क एरिया, यानी कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और सुरक्षा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वर्क प्लेस पर एक क्लाइंट और स्टाफ की सुरक्षा जितनी आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर काम करने वाली ब्यूटी थेरेपिस्ट को विभिन्न प्रकार के टूल्स, इक्विपमेंट और केमिकल्स के साथ कार्य करना पड़ता है, जिससे उनको दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। इसलिए सैलून में सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। वर्क प्लेस पर संभावित खतरों की पहचान तथा उनके विषय में जानकारी होना, स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में वहाँ के स्टाफ को जानकारी होना, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए ट्रेनिंग, स्वास्थ्य से संबंधित जो हानिकारक केमिकल्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उनका सही जगह पर निस्तारण करना। अब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज की, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है फायर सेफ्टी, यानी आग से सुरक्षा। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी विद्युत सुरक्षा। फिर आता है केमिकल सेफ्टी, यानी रसायन से सुरक्षा। अब हमारा आता है पोस्चर, लिफ्टिंग और कैरिंग। और लास्ट है हमारा पार्लर हाइजीन, यानी सैलून की साफ सफाई। सबसे पहले हम बात करेंगे फायर सेफ्टी की, यानी आग से सुरक्षा की। जैसा कि आपको पता है कि सैलून में अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे आग लगने का खतरा रहता है, और इन सब से बचने के लिए तथा इनको रोकने के लिए स्टाफ को जानकारी होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को जो वहां पर ज्वलनशील पदार्थ यूज़ होते हैं उनको किस प्रकार से और कहां पर रखना है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आग के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ फायर। यहाँ पर आग को कई कारकों में विभाजित किया गया है, जैसे कि क्लास ए, बी, सी, डी और के। इन सब कारकों में आग को अलग अलग तरीकों से विभाजित किया गया है। कह सकते हैं हम क्लास ए में जो आग प्रज्वलित होती है वो कागज, प्लास्टिक और लकड़ी की वजह से लगती है। इनको बुझाने के लिए हमें पानी का यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्लास बी की। इसमें जो आग प्रज्वलित होती है वह ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मोम, पेंट इत्यादि से फैलती है। इसको बुझाने के लिए हमें ऑक्सीजन की समाप्ति करनी पड़ती है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम क्लास सी फायर की। इस प्रकार की आग विद्युत उपकरणों से फैलती है। इन्हें बुझाने के लिए हमें विद्युत सप्लाई को बंद करना पड़ता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नामक अग्निशामक का प्रयोग करना पड़ता है। अब बात करते हैं क्लास डी फायर की। यह आग अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ जैसे पोटाशियम, सोडियम आदि के कारण फैलती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम पानी का उपयोग करते हैं तो यह आग अधिक फैलती है। इसे बुझाने के लिए हमें शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं हम क्लास के फायर की। यह फायर आपके रसोई घरों में पाए जाने वाले वनस्पति घी, तेल आदि से फैलती है, और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हमें रेत या फिर स्प्रे अग्निशामक का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये तो हुई आग की बात कि आग कितने प्रकार की होती है। आग से जो हमें नुकसान होता है इसकी स्थिति में हमें ली जाने वाली फर्स्ट एड और फर्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए और इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब आग लगती है तो
तो उस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और जिस व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है उस व्यक्ति को कंबल में लपेटकर फर्श पर रोल करना चाहिए। यदि शरीर पर छाले पड़े हैं तो उनको फोड़ना नहीं चाहिए। जले हुए अंग को पानी में डुबोना चाहिए। उसके बाद फायर विभाग को फोन करना चाहिए और तथा एम्बुलेंस को फोन कर देना चाहिए और जब तक एम्बुलेंस आए जो हमारा पीड़ित व्यक्ति है उसको खुली हवा में बिठाए। अब मैं बात करती हूँ जो फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा हमें लेनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, पीड़ित व्यक्ति को यदि कपड़े जल चुके हैं तो उनको किसी भी ब्लैंकेट में लपेट कर फर्श पर रोल करना चाहिए। दूसरा, जो अंग जले हैं उनको ठंडे पानी में डुबोएं और फायर विभाग को फ़ोन करें। ये इसलिए ताकि जो व्यक्ति है उसकी सेफ्टी हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी आग से बचने की विधियां। सबसे पहले स्वयं को बचाएं तथा दूसरे व्यक्तियों को भी बचाने की कोशिश करें ये, और ऊंची आवाज़ में बोलकर दूसरे आसपास के लोगों को भी सूचित करें। यदि आग बिल्डिंग में लगी है तो वहाँ पर सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का नहीं। आग से निकलने वाला धुआं जो है वो बहुत जहरीला होता है, उसके लिए आपको अपनी नाक पर रुमाल रखना चाहिए तथा मुंह पर गीला कपड़ा बांधना चाहिए जिससे कि जहरीला धुआं जो है वो आपके शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो धुआं होता है वो हमारे फेफड़ों पे सीधा इफेक्ट करता है तथा इससे बेहोश होने का भी खतरा बना रहता है। अब हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेफ्टी की यानी विद्युत सुरक्षा। सभी वर्क एरिया होते हैं वहाँ पर काम करने के लिए विद्युत बहुत आवश्यक होती है यानी बिजली। विद्युत उपकरणों से बहुत सारे हमारे जो लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल जिनसे हम काम करते हैं वो सभी हमारे विद्युत के ज़रिए चलते हैं। और ठीक वैसे ही सैलून में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो हम विद्युत उपकरणों से करते हैं। इनके प्रयोग के लिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए विद्युत दुर्घटनाओं के कारण। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिजली के वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला कारण होता है हमारे त्रुटिपूर्ण उपकरण यानी हमारे जो इक्विपमेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी होना। दूसरा, तारों का जोड़ खुलना, जो तारें होती हैं उनके जोड़ों का खुला होना, उन पर टेप वगैरह का यूज़ ना किया होना। ओवरलोडिंग ऑफ वायर्स यानी अभितारण। फिर है हमारे उपकरणों का अर्थिंग यानी भू संपर्क न होना। हमारे विद्युत उपकरणों का पानी के साथ संपर्क होना, ये सभी कारण हैं जो विद्युत दुर्घटना के कारण बनते हैं। बिजली के झटके को रोकना, जो उपकरण हम यूज़ कर चुके हैं उनको अच्छे से स्विच बंद करके तार सॉकेट से निकाल देना चाहिए और जो हमारे विद्युत उपकरण हैं उनको नमी तथा पानी से दूर रखना चाहिए। उनका भू संपर्क यानी अर्थिंग होनी चाहिए। अब मैं आपको जो दुर्घटनाएं बिजली से घटित होती हैं उनके समय जो सावधानियां ली जाती हैं उनके बारे में बताऊंगी। पीड़ित व्यक्ति को कभी भी नंगे हाथों से न छुए क्योंकि उससे स्वयं को भी खतरा रहता है। दूसरा, फायर विभाग को तुरंत फोन करें और विद्युत रोधी तार के पास से और वस्तुओं के पास से पीड़ित व्यक्ति को हटाएं। पीड़ित व्यक्ति को खुली हवा में लेटाएं और विभाग को तुरंत सूचना दें। धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें। अब हम बात करते हैं केमिकल सेफ्टी की यानी रासायनिक सुरक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं सैलून में बहुत सारे ब्यूटी
प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जिनमें गर्ल्स यूज किए जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में जो है ज्वलनशील रसायन यूज होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। इनसे संपर्क में आने के लिए तथा इनको यूज करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले रसायनों के प्रभाव से बचने के लिए हमें ग्लव्स का तथा एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, सभी रसायनों को अलग अलग यानी एक स्थान पर ना रखकर अलग अलग रखना चाहिए। बोतलों के ऊपर उचित प्रकार के लेबल लगे होने चाहिए और हमें सभी जो केमिकल्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट यानी समाप्ति तिथि का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करूंगी मैं रसायन का भंडारण यानी केमिकल स्टोरेज। केमिकल स्टोरेज हम कहाँ कर सकते हैं? रसायनों के भंडारण के लिए हमारे पास एक अलग स्थान होना चाहिए। जो बड़ी बोतलें होती हैं उनको ऊंचे स्थान पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके गिरने से दुर्घटना घटित होने की संभावना रहती है। अति ज्वलनशील जो रसायन होते हैं उनके लिए एक सेल्फ का अलग से प्रयोग करना चाहिए और इन सब रसायनों को जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर एक अच्छे तथा उचित क्वालिटी के अग्निशामक का होना अति आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रसायन संबंधी दुर्घटनाओं के समय हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें विभाग उच्च विभाग तथा वहां के स्टाफ को सूचित करना चाहिए। सेकेंडली हमें जिस रसायन से दुर्घटना घटित हुई है उसका नाम नोट करना चाहिए। उसके बाद हमें पीड़ित व्यक्ति को कोई भी क्रीम या दवा देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती है क्योंकि हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ये मैंने बात की थी केमिकल सेफ्टी की। अब मैं बात करूँगी पोस्चर लिफ्टिंग और केयरिंग की यानी खड़े होने की मुद्रा, वस्तुओं को उठाना, उनको दूसरे स्थान पर लेकर जाना। जैसे कि आप जानते ही हैं सैलून के अंदर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट को सेवाएं देने के लिए चाहे वो सेवाएं मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग कुछ भी होए उसके लिए उसे घंटों खड़ा रहना पड़ता है। इसकी वजह से उनके मांसपेशियों में अकड़न तथा जोड़ों में दर्द की संभावना बनी रहती है। ठीक ऐसे ही यदि भारी सामान को हम स्वयं उठाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारे हाथ, पैर तथा कंधों में दर्द की समस्या बढ़ेगी। इन सब से बचने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हमें कभी भी एक ही मुद्रा में काफ़ी समय तक नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो हमारी शारीरिक मुद्राएं हैं उन्हें हमें बार बार चेंज करते रहना चाहिए यानी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से करते रहना चाहिए। शरीर के एक ही अंग को काफ़ी देर तक नहीं खींचना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। यदि चेयर पर बैठकर करने वाला कोई कार्य है, कोई भी गतिविधि है तो उसमें हमारी जो चेयर है उसकी ऊंचाई उपयुक्त होनी चाहिए। भारी सामान को स्वयं कभी भी उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारी सामान को उठाने के लिए हमेशा ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। ये थे हमारे पोस्चर लिफ्टिंग और केयरिंग। अब मैं बात करती हूँ पार्लर हाइजीन की। अब आपको मैं बताती हूँ पार्लर हाइजीन के बारे में जिसमें आता है कि सैलून की साफ सफाई। सैलून की साफ सफाई का सीधा सीधा संबंध वहाँ के स्टाफ और ब्यूटी थेरेपिस्ट से है जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यदि वो अपने सैलून में साफ सफाई और उसको कीटाणु रहित रखेंगे तो वो उनके स्वास्थ्य और सबके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए हमें अपने सैलून में सबसे पहले हैंड वॉश पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम किसी क्लाइंट से डील करते हैं, बात करते हैं, हैंडशेक या उनको कोई भी सेवाएं देते हैं,
सेवाएं देने से पहले और देने के बाद हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। दूसरा आता है हमारा वर्क सरफेस यानी वर्क एरिया, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे मिरर, ग्लासेस और डेस्क। हमें इनको भी डेली अच्छे से नीट एंड क्लीन करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे चेयर एंड काउचेस, जो हमारे वहाँ पर सोफे और चेयर्स रखे होती हैं, उनको हमें डेली अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए। चेयर और काउचेस को हमें सैनिटाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं हम टूल्स एंड इक्विपमेंट की। जो टूल्स और इक्विपमेंट हैं हमारे, उन सब को हमें डेली सैनिटाइज करना चाहिए, यानी उनको कीटाणु रहित करना चाहिए। फ्लोर यानी फर्श। अब सुबह जब भी हम अपने सैलून में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अपने जो फ्लोर है उसको भी साफ सुथरा करना चाहिए। यदि कोई केमिकल्स गिरा है तो उसको तुरंत इमिडिएटली वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी दाग धब्बा ना पड़े। बात करते हैं PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं को सुरक्षा परिधान प्रदान करना। जैसे एक ब्यूटी थेरेपिस्ट सैलून में विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स, टूल्स और केमिकल्स के साथ कार्य करते हैं, तो इसके साथ उनके शरीर तथा कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं और बहुत सारे संक्रमण जो उनके हाथों को छूते हैं, जो इन्फेक्शन वो हमारे हाथों को टच करता है, ठीक है। अब इन सब से बचने के लिए, इन सब के बचाव के लिए हमें कुछ जो परिधान हैं हमने स्वयं को देने हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्रन। एप्रन जो होता है वो एक मोटे कपड़े का बना हुआ लंबा कोट होता है, जो हमें इन दाग धब्बों से बचाता है तथा चोट लगने के खतरे से भी हमें सुरक्षित करता है। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ग्लव्स की, यानी दस्ताने। दस्ताने जो होते हैं वो हमारे हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन्हें इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाते हैं। फिर आता है हमारा हेड कवर। हेड कवर यानी जो सिर पर हम कवर करते हैं, ये प्लास्टिक का होता है। यह हमारे बालों की तथा हमारे सर की सुरक्षा करता है। हेड कवर हमारे बालों तथा सिर की सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं शूज़ की। शूज़ वहाँ पर काम करने वाले प्रत्येक स्टाफ तथा क्लाइंट सभी के पैरों की सुरक्षा करते हैं। लास्ट में हमारा आता है मास्क। मास्क जो है वो नाक पर पहना जाता है और हमारे अंदर शरीर के जाने वाले रसायनों के फ्यूमस तथा जहरीली गैसों के जो हमारे सांसों के जरिए अंदर जाते हैं उनको रोकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। अब मैंने आप लोगों को बताया था हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के बारे में, जो हमारे थे फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी विद्युतीय सुरक्षा। तीसरा हमारा आता है केमिकल सेफ्टी, रसायनों से सुरक्षा। फोर्थ था हमारा पोस्चर, लिफ्टिंग और केयरिंग यानी खड़े होने की मुद्रा, वस्तुओं को उठाना, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। और लास्ट था हमारा पार्लर हाइजीन यानी सैलून की साफ सफाई। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा था कि फायर सेफ्टी में क्या क्या था और फायर कितने प्रकार की होती हैं, अलग अलग कारकों में विभाजित हैं, वो A, B, C, D और K में। अलग अलग प्रकार की आग के लिए अलग अलग अग्निशामकों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है वाटर और फोम बेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वेट केमिकल, ड्राई केमिकल, क्लीन एजेंट और ड्राई पाउडर। आगे आपने केमिकल सेफ्टी के बारे में सीखा था, उसमें भी आपने कैसे उससे बचना है, क्या क्या यूज़ करना है, वो सारा बताया गया था। सेम ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय सेफ्टी में था,
उसके अंदर भी हमें सबसे पहले क्या एक्शन लेना है, कैसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी है, कैसे फायर अलार्म ऑन करना है, उन सब के बारे में बताया गया था। और लास्ट में जो मैंने बताया था आपको पार्लर हाइजीन के बारे में, कैसे अपने सैलून को साफ सुथरा रखना है, वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमने पोस्चर के लिफ्टिंग और केयरिंग के बारे में भी सीखा था। इसमें हमने क्या सीखा, कैसे हमने अपना ध्यान रखना है, ये सारा उसमें बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपके आज जो हेल्थ एंड सेफ्टी का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा अब, और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। यदि नहीं बनाए तो नोट्स बनाएं और 6-24 घंटे के बीच इन नोट्स की दोहराई करें। इसको आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।